हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ब्रांड टेक में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं फ्लैश ब्रैकेट, जो कि एक एल ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को हम DSLR या फिर DVS कैमरा के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है। ये एल ब्रैकेट है, इसके ऊपर जो मेंशन है वो है क्लिक क्विक फ्लिप डिज़ाइन, एनहांस्ड रेड आई सॉफ्टनेस, हार्ड शेडोज एंड ऑल एल्युमिनियम कंस्ट्रक्शन, जो कि इसका कंस्ट्रक्शन पूरा एल्युमिनियम का है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। इसकी प्राइस अगर हम देखें तो यहाँ पर मेंशन है 699, जो कि मुझे ये अराउंड 650 का मिला है। अलग अलग वेबसाइट्स पे इसका अलग अलग प्राइस हो सकता है। आइए इसको रिव्यू करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है। तो ये इसका बॉक्सिंग है, लेट्स सी। इसे मैं ओपन करने वाला हूँ, तो इसमें हमें ये एक सिंपल सा एक एल शेप का एक ब्रैकेट मुझे मिल रहा है। इसको मैं अगर पॉलिथीन से अनरैप करता हूँ तो मुझे ये देखिए आप, ये एक हाई क्वालिटी का एल्युमिनियम कंस्ट्रक्टेड एल ब्रैकेट है। इसमें एक तरफ हैंडल है, एक तरफ हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम वो देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि बिगिनर्स फोटोग्राफर्स और प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के काम आता है। इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, दूसरी तरफ एक हैंडल है, जो हम एक DVR को या एक DSLR को इजीली कैरी कर सकते हैं इस हैंडल के थ्रू। बहुत ही कंफर्टेबल ग्रिप बनती है। यहाँ पर ये दो हॉर्स शू दिए गए हैं, हॉर्स शू के पॉइंट्स हैं, जिसमें हम एक जगह पर माइक्रोफोन लगा सकते हैं, एक जगह हम फ्लैश लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास LED वीडियो लाइट है, आप वो इसके साथ लगाकर इसके साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हैंडी हो जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि कैमरे के ऊपर इसका वेट नहीं पड़ता है। आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको कैमरे के अटैच करें। मेरे पास एक कैमरा है, जो कि एक DSLR 700 कैनन का 700D है। ये कैमरा एक बिगिनर कैमरा है, बिगिनर DSLR कैमरा है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये एक लाइट वेटेड कैमरा है, लेकिन आप देख पाएंगे कि मैंने इसमें कुछ एक्सेसरीज लगा रखी हैं, जैसे एक बैटरी क्लिप लगा रखा है, जिसमें दो बैटरीज हैं ऑलरेडी। उसके बाद मैंने ये एक हाथ में इसको प्रॉपर ग्रिप बनाने के लिए एक बकल ये लगा रखा है, लेदर रैप लगा रखा है। उसका नीचे बेस है एल्युमिनियम का, जिसका अपना एक खुद का वेट होता है। दूसरा, मैं इसमें किट लेंस यूज़ ना करके मैं एक टैमरून का एक लेंस यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 18 से 200 mm का एक लेंस है। ये थोड़ा सा वेट में ज़्यादा होता है किट लेंसी से। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इन तीनों चारों चीज़ों को मिलाकर, जिसमें दो बैटरीज भी हैं, मिलाकर इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मेरे लिए एक हाथ से पकड़ना इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मीन्स एक टाइम के बाद, आपको 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे के बाद पकड़ने के बाद आपका हाथ बहुत थकना शुरू हो जाता है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। स्नो फोटो खींचनी है आपको तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वीडियोग्राफी करनी है, जिसमें आपको लगातार कंटिन्यूस आधे घंटा एक घंटे की वीडियोग्राफी करनी है, तो आपका हाथ पूरी तरह से थक जाता है, जो कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है। आप यूज़ कर रहे हैं या फिर फैमिली यूज़ कर रहे हैं, तो सबके लिए ये बहुत थका देने वाला एक आइटम बन जाता है, क्योंकि मैंने एक बहुत ज़्यादा आप टाइम के साथ साथ आप इसमें बहुत सारे एक्सेसरी लगाते जाते हैं, तो उसका वेट बढ़ता जाता है। अब ये एल ब्रैकेट है, जिसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। या तो आप ट्राइपॉड ले लीजिए या फिर आपकी एल ब्रैकेट ले लीजिए। आपका बहुत सारा लोड जो है वो यहाँ जैसे लेंस पे हो रहा है, लेंस के नीचे आपका हाथ ना आकर आप इसको साइड से ऐसे ही ग्रिप कर सकते हैं, जिससे आपका वेट डिवाइड हो जाता है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे अटैच कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो रैप लगा रखा है, जो हाथ को ग्रिप करने के लिए लगा रखा है, उसका जो स्क्रू है नीचे, उसके साथ मैं इसको ईजिली ऐसे अटैच कर सकता हूँ। चाहे तो आप उसको निकाल दीजिए, चाहे आप उसी के साथ इसको नीचे अटैच कर सकते हैं। थोड़ा सा पोजीशन बनाकर मैं इसको इजीली यहाँ पर इसको स्क्रू अप कर दूंगा। आप देख पा रहे हैं एडजस्टेबल है, इसकी लेंथ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके DSLR की विड्थ के अकॉर्डिंग। इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, टाइट कर दिया है। अब मैं इसको इजीली, आप देख पा रहे हैं, मैं इसको इजीली ऐसे इसको अटैच ग्रिप कर पा रहा हूँ। अब मैं सिंगल एक हाथ से इसे ग्रिप कर पा रहा हूँ, सो इट्स वेरी इजी। एक हाथ मैंने लेफ्ट हैंड, दोनों हाथ में इसको कैमरे में लगा रहा हूँ, साइड में लेंस में मुझे आगे वेट नहीं करना पड़ रहा है, तो मेरे हाथ की एक मूवमेंट, एक पोजीशन जो है वो अच्छी हो जाती है। एक स्पीड लाइट जो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ना लगा कर मैं उस स्पीड लाइट को उठाकर इस स्टैंड के ऊपर यहाँ पर लगा सकता हूँ।
उसके कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। एक तो आपका जो कैमरा है, हाँ, कैमरे के ऊपर फीडबैक का वेट ना आकर वो इधर आता है। कैमरे के ऊपर वेट करने बैठने का मतलब है उसका जो बेस है वो अगर आप देखेंगे तो मेटल एलिमेंट के नीचे प्लास्टिक ही है। उस पर जितना ज़्यादा वेट पड़ेगा उतना ज़्यादा रिस्की रहता है उसके ब्रेकडाउन होने के, या फिर आपके कैमरे की जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाती है। वो आप वेट इधर लगा सकते हैं, आप फ्लैश लाइट इधर लगाइए, वहाँ एक माइक, दूसरे पॉइंट पे आप एक माइक्रोफोन लगा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाता है कैरी करना, आपका वेट डिवाइड हो गया, आपके कैमरे के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं है, आप इसको ईजिली ऐसे कैरी कीजिए, ईजिली इसको पकड़िए, ईजिली ग्रिप कर सकते हैं आप इसको। इसको आप थोड़ा सा टिल्ट ऐसे ही कर दीजिए तो आपका ये और एक अलग से एक मूवमेंट बन गया, आपका अलग से एक बन गया। आप इसको वीडियोग्राफी पकड़ कर ईजिली वन हैंडेड आप इसको वीडियोग्राफी कर सकते हैं, इधर उधर मूवमेंट करने के लिए कर सकते हैं। इस पर आप चाहे अपना DVR कैमरा लगाइए, अपना कोई भी आप कैमरा लगा सकते हैं इसके, इवन आप अपना मोबाइल भी अगर लगाना चाहें तो मोबाइल के साथ भी, मोबाइल का अटैचमेंट आते हैं, मोबाइल का अटैचमेंट जो आता है उसको लगा कर आप उसको अपना मोबाइल कर दीजिए। मैं इसको 2-3 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बेनिफिट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली के लिए कैमरे को सिंगल हैंडेड पकड़ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। नाउ माई वाइफ जो है या मेरी फैमिली में वो भी कोई मेम्बर है, इजली शी कैन और दे कैन इजली कैरी दिस, सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो आप एक बार देखें इसको, मैं आपका फीडबैक जानना चाहूँगा, आपको कैसा लगा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि जो बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी करते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। क्लासिक पुराने ज़माने में भी लोग इसको यूज़ किया करते थे। ये एल ब्रैकेट है, एक सी ब्रैकेट होती है जिसको ऊपर से घूम कर पूरा ऐसा सी शेप बन जाता है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रैकेट्स, एस ब्रैकेट्स होती हैं जो इधर जाकर इधर आ जाती हैं तो वो एस शेप बन जाता है। अलग अलग टाइप की ब्रैकेट्स आती हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने यूज़र के अकॉर्डिंग, आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मुझे परचेस करा, मैंने परचेस किया, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मुझे आपका तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये, मुझे आपका फीडबैक चाहिए। तो आप अपने कमेंट्स नीचे पुट कीजिए, या आप अगर कोई इवेंट फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई मैरिज फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल आपका हो जाता है। आप वीडियो लाइट इधर लगाइए या फ्लैश उधर लगाइए, माइक्रोफोन लगाइए, आप इजली यू कैन अटैच मल्टीपल आइटम्स यहाँ पर। तो आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट अपना फीडबैक दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपना अपने फीडबैक कमेंट्स में लिखिए। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं और आशा करता हूँ आपको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम।